कि ये लालची किस्म का है। इससे पहले जो है तो तुम्हें 10 लाख रुपए का इन्होंने डिमांड की कर रहा था कि तुम लेके आओ, ये करो वो करो। तो उसके बाद जो हमको बन पड़ा, बाप तो हम थे, जो बन पड़ा कि चलो ये कुछ दे देता है कि हमारी बच्ची और उसके घर वाले सारे खुश रहेंगे, हमारी बच्ची की निवाह हो जाएगा। ऐसा दर्दनाक हत्या किया कि जो प्रशासन देखे हैं, वीडियो उनके पास है, सारा रूम जो है चित्र बित्र बना हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि हमारी लड़की को उस रूम में क्या कहते हैं लोहा वाला पाइप भी नजर आया, जो प्रशासन भी देखा और हम भी देखे। रूम चारों तरफ से चित्र बित्र बना हुआ है। जब वो पाइप से नहीं मरी तो हमको उम्मीद है, ऐसा लगता है कि उसको जो है गले में रस्सी लाग के फांसी लगा दिया गया और फांसी का जो है गले में काला निशान भी। लड़की तो बड़ी चिकनी सौ में खड़ी पोती रही है, बाबा दुनिया का दे दे के शादी किए रही है। शादी कब हुआ था? 18 में 18-19 को शादी हुआ था। घर गए तो देखे घर में रोड शो था और लड़की के लाश के पीठ पे रोड का मारने का रोड का निशान है, और गले में उसको दबाने का निशान है, या रस्सी से दबाया हो या हाथ से। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया, मैं आपके साथ शाहिद कामरान। अभी हमारी टीम मौजूद है सदर अस्पताल के पोस्टमार्टम घर के सामने। आप देख सकते हैं यहाँ 2-3 गार्जियंस हैं लड़की के। नैयर शाहीन कहा जाता है कि कल जो है नैयर शाहीन को ससुराल वालों ने मार डाला। इन लोगों का इल्जाम है, इन लोगों का कहना है कि पहले मारपीट की गई, मारपीट से जब उसकी मौत नहीं हुई तो लोहे डंडा और फिर बाद में फंदा लगाकर मार दिया गया। शाम में जब लड़की के फादर हैं, उनको जो डुमरी के रहने वाले हैं, उनको मालूम होता है, जब ये यहाँ से जाते हैं तो जाने के बाद पुलिस को खबर करते हैं और फिर ये मामला उजागर होता है। उसी की पोस्टमार्टम के लिए उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए यहाँ लाया गया है। देखना अब ये है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद क्या मामला सामने आता है। हालांकि पहली नजर में यह बात इस बात का शुभ है कि उस लड़की की मौत मारते मारते हो गई है। देखिए यह बातचीत। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सादिक अली। घर कहाँ हुआ आपका? मेरा घर डुमरी हुआ। कौन थाना में पड़ता है? रेका थाना। क्या मामला है? हुआ क्या कि कल जो है संध्या में हमको उस गांव के किसी आदमी से जो है फोन हुआ कि आपकी लड़की डेथ कर गई। किस गांव के? छछुआ के आदमी फोन किए थे, उनके गांव वाले ही कोई। तो उसके बाद हम यहाँ से गए, जाने के बाद वहां देखे कि हमारी लड़की का हत्या कर दिया गया है और जिस रूम में किया गया है। हमने प्रशासन को भी ले गए, FIR भी हमने किया है। प्रशासन जो देखा तो रूम में चारों तरफ से सामान जो है चितिर बितिर बना हुआ है, लोहा का पाइप उस रूम में रखा हुआ था और जिस तरीके से हमारी लड़की को नचा नचा के मारा है और जान लेके भाग रही है, फिर भी वो मारने का प्रयास किया है, पांव का निशान भी है उस रूम में और प्रशासन भी रूबरू जाके उनको देखे हैं। देखने के बाद बुझाता है कि उस जो है सरिया से नहीं मरी है तो इसको गले में फंदा डाल के रस्सी डाल के इसका जो है हत्या कर दिया गया। आपकी बेटी का क्या नाम था? मेरी बेटी का नाम नैयर शाहीन है। उम्र कितनी थी? लगभग 23-24 साल। शादी कब हुई? 2018 में हुआ। बच्चे कितने? बच्चे कोई नहीं है अभी। फिर वजह क्या लग रहा है आपको? वजह है क्या था कि ये लालची किस्म का है। इससे पहले जो है तो तुम्हें 10 लाख रुपए का इन्होंने डिमांड की कर रहा था कि तुम लेके आओ, ये करो वो करो। तो उसके बाद जो हमको बन पड़ा, बाप तो हम थे, जो बन पड़ा कि चलो ये कुछ दे देता है कि हमारी बच्ची और उसके घर वाले सारे खुश रहेंगे, हमारी बच्ची की निवाह हो जाएगा। बाकी जो है देते भी रहे, फिर भी जो है वो 10 लाख रुपया कहते रहे देने के लिए, तो हमारी तो जरूरत नहीं है उतना। बस उसी आक्रोश में लगता है कि हमारी लड़की का कहाँ शादी है? छछुआ में। किसके घर पे? छछुआ में जो है मसलेउद्दीन उर्फ बबलू नाम है लड़का का, उसके बाप का नाम मुस्तफा जमाली है। लड़का क्या करता है? लड़का कुछ नहीं, कोई काम धंधा नहीं करता है और सिर्फ जो है हमारी लड़की के साथ जो है टॉर्चर करता है कि पैसा लाओ गार्जियन से। उसी के बिना पर लगता है कि हमारी बच्चिया को हत्या कर दिया गया और ऐसा दर्दनाक हत्या किया कि जो प्रशासन देखे हैं, वीडियो उनके पास है, सारा रूम जो है चित्र बित्र बना हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि हमारी लड़की को उस रूम में क्या कहते हैं लोहा वाला पाइप भी नजर आया, जो प्रशासन भी देखा और हम भी देखे। रूम चारों तरफ से चित्र बित्र बना हुआ है। जब वो पाइप से नहीं मरी तो हमको उम्मीद है, ऐसा लगता है कि उसको जो है गले में रस्सी लाग के फांसी लगा दिया गया और फांसी का जो है गले में काला निशान भी है। तो आप पूछे नहीं कि क्या है, कैसे? तो वो सब जो है से वो कोई थे ही नहीं, सारे घर के आदमी फिरार बने हुए हैं। तो किससे कौन हमको बताएंगे? सारे आदमी फिरार थे, प्रशासन के सारे आदमी फिरार था। क्या चाहते आप?
हम चाहते हैं कि वैसे आदमी को कानूनी सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए कि कोई ऐसा जो है दुर्घटना किसी बेटी के साथ ना हो, जैसा कि मेरी बेटी के साथ हुआ, ऐसा घटना किसी बेटी के साथ नहीं हो। क्या था नैयर? शाहीन थी नाम लड़की का? हाँ, शाहीन थी। कैसी लड़की थी, क्यों हुआ? लड़की तो बड़ी चिकनी सौ में खड़ी पोती रही, बाबा दुनिया का दे दे के शादी किए। शादी कब हुआ था? 18 में? 18 19 को शादी हुआ था, बहुत दे ले के शादी किए थे। क्या लग रहा है उसको, लोग मार दिया ससुराल वाला? हाँ, ससुराल वाला मार दिया ही तो बहुत दुनिया तक फिर गया है बात। दुनिया तक फिर गया? हाँ, बात फिर गया बाबा। क्या चाहते हैं आप? अब जो हमारा पसंद इंसाफ करेगा सरकार, सो चाहते हैं हम। इंसाफ चाहते हैं? हाँ, इंसाफ चाहते हैं। ठीक है, क्या नाम है आपका? रामराज। रामराज जी, आप बिस्फी थाना में है क्या? जी जी, चौकीदार है। चौकीदार आप हैं, क्या मामला है आपको? तो जानकारी होगी इसकी? पति ने वो कंठ दबा के मार दिया, मारा तो शायद लगता है कंठ दबा के मार। इन लोग अब यही इल्जाम है, उसी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही जानकारी मिलेगी, लेकिन क्लियर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद। लेकिन लग रहा है पहले जो कहते ना प्रथम दृष्टया घर गए तो देखे घर में रोड सब था और लड़की के लाश के पीठ पे रोड का मारने का रोड का निशान है, निशान है। और गले में उसको दबाने का निशान है, या रस्सी से दबाया हो या हाथ से दबाया हो। ठीक है, धन्यवाद। अगर आप हमारा चैनल YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पहुंचती रहे। अगर आप हमारा चैनल Facebook पे देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर दें और लाइक कर दें।